और वहीं दिल्ली के बीकानेर हाउस में बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बता दें कि सबसे कम उम्र की भारतीय कलाकार तनिषा बख्शी के द्वारा बीकानेर हाउस में सोलो प्रदर्शनी पहली बार लगाई गई और इस प्रदर्शनी में ऑयल पेंटिंग, चारकोल कृतियों, रेडीमेड मटेरियल्स और इंस्टॉलेशन से बनी 25 कृतियों की पूरी सीरीज को प्रदर्शित किया गया और इस प्रदर्शनी में सबसे ज़्यादा माँ की ममता और एक बच्चे को प्यार की कलाकृति के सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है। इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं जिसमें भारतीय राजनेता भी शामिल है। और ये मेरी सोलो एग्जीबिशन हो रही है बीकानेर हाउस में, मेरी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन है एंड मैंने रूरल हैप्पीनेस के ऊपर काम किया है जो रूरल थी। मैं अंग्रेजी में बोलूँ? हाँ, यस यू कैन डू। द वर्क इज़ एक्सेलेंट, द ड्राफ्ट्समैनशिप इज ट्रूली ट्रूली गुड, स्पेशली फॉर वन हु इज सेल्फ टॉट एंड इट्स क्लियर दैट शी फील्स इमोशनली अटैच्ड टू एवरी पेंटिंग दैट शी इज डन, बट इट्स रियली एक्सेप्शनली गुड वर्क। बहुत खूबसूरत बनाया है और मैं चाहता हूँ ये अपने उत्तर प्रदेश से बाहर तक इसकी हर जगह तनिषा जी की इस चीज़ को देखते हुए हमें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी करूँगा, ऐसा चीज़ हमारे प्रदेश में राजधानी में लखनऊ में लगे। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तनिषा बख्शी, कई पेंटिंग देखी हैं आपने? बहुत सारी पेंटिंग, एक अलग ही कला देखने को मिली। अभी तो मैं स्टार्ट हो ही रहा हूँ देखना, तो अभी तो कला तो एक से एक देखते जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको देखते हुए। ठीक।